लेखक परिचय, नाम राजा लक्ष्मण सिंह, जन्मस्थान आगरा, जन्मतिथि 1926, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत फारसी बंगला और अरबी भाषाओं के ज्ञाता, अभिज्ञान शाकुंतल मेघदूत रघुवंश के हिंदी अनुवाद के लिए पुरस्कार मिला था। अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। हे सखी सुव्रता, यह बातों से ना मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। मैं अभी ले आती हूँ। तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? कोई ऋषि कुमार यहाँ है? हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अच्छा, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। बड़े अचंभे की बात है। तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? यह पुरुवंशी है। इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं ना लूंगी। यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछो। हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। इसकी माँ
मेरी ही प्यारी शकुंतला है, या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। ओह, बालक की बांह से रक्षाबंधन कहाँ गया? घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। अरे अरे, मत उठाओ, इसे मत छूना। ओह, इसने तो उठा ही लिया। यह लो। परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तुमने कभी ऐसा होते देखा है? अनेक बार। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? इकाई 6, भरत एकांकी। दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है? दूसरी तपस्विनी, तू तो इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहां है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूं, जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहां है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बली बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी,
यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह नीडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की मां मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की मां का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहां है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहां तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। सर्वदमन, मैंने तो कहा ही था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी मां मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहां गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूं। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में लेता है, पर्दा गिरता है।